नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर हम KGMU का फॉर्म भर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म भरने में काफ़ी प्रॉब्लम सर आ रही है। तो दोस्तों, जाने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, और अब आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस टाइप से करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हम ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हैं KGMU की, इसके अंदर देखिए दोस्तों ये वेबसाइट है। पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको कहा था कि कोई भी अपने मोबाइल से फॉर्म फिलअप ना करें, और फॉर्म फिलअप खुद भी अपने लैपटॉप से ना करें, फॉर्म आप बाहर से ही भरवा के आएँ, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, सर्वर का इश्यू है, क्योंकि अचानक से काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है, तो वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ चुका है, जिसके कारण वेबसाइट पूरी स्लो काम कर रही है और काफ़ी कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग फॉर्म जैसे ही फिलअप कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वैसे ही वो फॉर्म फिर से बैक चला जा रहा है, या फिर साइट किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं कर रही है। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में हमने KGMU को मेल भी डाल दिया है, आप लोग भी मेल ज़रूर डाल दीजिए। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये आ रही है कि काफ़ी कैंडिडेट्स का पेमेंट कट हो चुका है, लेकिन दोस्तों फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप 24 से 48 घंटे उसका वेट कीजिए। अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेल ज़रूर डाल दीजिए KGMU को, ताकि वो आपका रिसोल्यूशन कर दें। इसके अलावा दोस्तों, अभी वेबसाइट जो है, आप फॉर्म जैसे ही फिलअप करते हैं तो आप रात को 10 बजे के बाद ही फॉर्म फिलअप करें, उससे पहले फॉर्म फिलअप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों 10 बजे के बाद में सर्वर काफ़ी अच्छे से काम करता है, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा हो वहीं से ही आप ये फॉर्म को फिलअप करें। और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम जिन लोगों की आ रही है वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात NOC की, तो NOC भी इसके अंदर मांगी जा रही है, हो सकता है KGMU अपडेट कर दे कुछ फॉर्म को। तो दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, 2 से 3 दिन का इंतज़ार करें तभी फॉर्म भरें, और इतनी जल्दीबाजी में फॉर्म भर के और आप लोग अपनी प्रॉब्लम को और ना बढ़ाएं। तो दोस्तों, अभी मैंने KGMU की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर मेल कर दिया है। जिन जिन कैंडिडेट के प्रॉब्लम है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से मुझे ज्वाइन कर लें और अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड कर दें, ताकि मैं मेल करके फिर से उन लोगों को बता सकूं कि ये प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को आ रही है। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो पे, प्लीज़ आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया जाता है, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोग आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकें। थैंक यू।